अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम हमारे साथ। के सवालों से पहले अनाउंसमेंट करना चाह रहे हैं 19 मेंबर स्क्वाड फॉर द टेस्ट सीरीज, तो फिर ये अनाउंस कर लें, फिर आप लोग सवाल करिएगा। रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि एक सवाल हो जाए तो दोबारा ना कीजिएगा और अपने माइक काइंडली म्यूट रखिएगा। जी बाबा। अस्सलाम वालेकुम सबको। 19 मेंबर्स में बता दूं, बाबर आजम, रिजवान, आबिद अली, अजहर अली, अब्दुल्ला शफीक, फवाद आलम, फहीम अशरफ, हसन अली, इमरान भट्ट, मोहम्मद अब्बास, साजिद खान, नसीम शाह, सरफराज अहमद, साउद शकील, शाह नवाज धानी, नुमान अली, जाहिद अली, यासिर शाह, शहीन शाह और नवाज और हारिस को हम ये डिसाइड किया कि हम उनको थोड़ा सा घर भेजेंगे और वो पूरे दो तीन और फॉर्मेट खेलते हैं जिसकी वजह से उनको रेस्ट नहीं मिला और हमने ये डिसाइड किया कि वो जाके घर टाइम स्पेंड करें फैमिली के साथ और वो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं तो इस वजह से ये है कि हम वो थोड़ा टाइम स्पेंड करें और उसके बाद जब वो प्रिपेयर हों अफगानिस्तान सीरीज के लिए। सलाम वालेकुम बाबर। वालेकुम अस्सलाम बाबर। वेस्ट इंडीज का जो टूर है, जो चार मैच थे T20, अनफॉर्चुनेटली तीन नामुकम्मल रहे, सिर्फ एक मैच मुकम्मल हो सका, मतलब उस तरह की जो क्रिकेट जो आप लोग भी चाह रहे थे, सब लोग चाह रहे थे, वो नहीं हो सकी। इस दौरे में तीन टेस्ट मैचेस थे, वो कम करके दो कर दिए गए थे ताकि T20 मैचों की तादाद को बढ़ा दिया जाए। तो एज ए पाकिस्तान टीम कैप्टन, मतलब आप तीनों फॉर्मेट में हैं कप्तान, किस तरह देखते हैं कि टेस्ट क्रिकेट की कितनी अहमियत है? हम वैसे भी बहुत कम टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं तो कितनी इसकी अहमियत है? और फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चूंकि अब शुरू हुई है, पिछला हमारा इतना अच्छा वो नहीं गया, अब हम बेहतर कारकर्दगी की भी तवक्को कर रहे हैं, तो इन तमाम चीजों को देखते हुए बहैसियत कप्तान कितना आप समझते हैं कि टेस्ट क्रिकेट कितनी जरूरी है और हम क्या कम टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे? देखें, जिस तरह आपने बात की T20 की और बिल्कुल हमारे जो मैचेस थे, चार पांच मैचेस थे जिसकी वजह से एक कैंसिल हो गया और उसके बाद जो तीन मैच हुए हमारे वो बारिश की वजह से नहीं हुए, डिसअपॉइंटमेंट थी। हमने जो डिसाइड किया था, हमने जो प्लान किया था इस सीरीज में, हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशन खिलाना था, डिफरेंट लड़के ट्राई करने थे। वर्ल्ड कप के पहले हमारी जो एक सीरीज थी ये थी हमारी कि हम यहाँ पे अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन और बेस्ट लड़के ट्राई आउट कर सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने ये चीज आपके उसमें नहीं, हाथ में नहीं है कि बेहतर, लेकिन बिल्कुल टेस्ट का अगर दूसरी भी है कि मेरे ख्याल से ये एक ओपिनियन है और मेरा आई डोंट नो इसमें ये अलाउ है कि नहीं, कि जिस तरह टेस्ट मैच में तो 5 दिन होते हैं लेकिन वाइट बॉल या T20 में एक रिजर्व डे भी होना चाहिए। आई डोंट नो ये रूल है कि नहीं है, लेकिन हमें ये चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। मेरा सजेशन है, मैं सोच रहा था कि ऐसा होना चाहिए। और टेस्ट चैंपियनशिप, टेस्ट की बात करें, बिल्कुल आपने जिस तरह बात की, इस साल मेरे ख्याल से वाइट बॉल क्रिकेट ज्यादा हुई है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप है, तो इसलिए मेरे ख्याल से थोड़े से टेस्ट मैचेस इस ये टेस्ट क्रिकेट बहुत कम हुई है, लेकिन जैसे आपको बताया कि टेस्ट चैंपियनशिप भी चल रही है, उससे मेरे ख्याल से लड़कों में बहुत कॉन्फिडेंस है और बहुत फोकस हुआ है कि टेस्ट चैंपियनशिप है और इससे टेस्ट चैंपियनशिप के फॉलोअर्स भी बढ़े हैं, तो इंशाल्लाह जितने भी हमें टेस्ट क्रिकेट मिल रही है तो इसको हम मजीद अच्छे तरीके से खेलेंगे। थैंक यू बाबर। मेरा ख्याल है उन्होंने जो दूसरा सवाल किया था, अगर आप उसका भी आंसर कर दें, उन्होंने कहा था कि टेस्ट क्रिकेट कम मिल रही है पाकिस्तान, तो उसके ऊपर अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें कम मिलने की वजह से। देखिए, कम बिल्कुल इस साल हमें टेस्ट बहुत कम मिले हैं, लेकिन वो इस वजह से, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया कि
टी20 क्रिकेट और वाइट बॉल क्रिकेट ज्यादा हुई है क्योंकि इस साल टी20 वर्ल्ड कप है और आगे भी टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो मेरे ख्याल से हमें इस दौरान टेस्ट क्रिकेट बहुत कम मिली है। मेरे ख्याल से हमें टेस्ट क्रिकेट ज्यादा खेलनी चाहिए और मेरे ख्याल से बेस्ट मेरा फॉर्मेट है और बाकी प्लेयर्स भी, दुनिया भी इसको काफी अच्छा देखती है कि टेस्ट क्रिकेट में ही सबका पता लगता है कि बेस्ट क्रिकेट होती है, और बिल्कुल हम लुकिंग फॉरवर्ड है टेस्ट मैच की मैचेस के लिए कि हमें ज्यादा मिले। ठीक है बाबर, सवाल मेरा ये है कि वेस्ट इंडीज की जो बैट्समैन है वो सब जानते हैं कि उनका टेम्परमेंट जो है T20 फॉर्मेट का ज्यादा बन चुका है, तो टेस्ट क्रिकेट में भी वो जल्दबाजी दिखाते हैं और विकेट गवाते रहते हैं, तो ये पॉइंट हमारे लिए कितना फायदेमंद होगा? और दूसरा, मुश्ताक अहमद जो फॉर्मर वेस्ट इंडीज के कोच हैं, उन्होंने बताया था कि कराची में जब कैंप लगा था तो हमने बॉलर्स को और बैट्समैन को वो तमाम स्ट्रेटजी प्लान बता दिए हैं कि वेस्ट इंडीज की कंडीशन में कब और किस टाइम पे परफॉर्म करना पड़ेगा उस कंडीशन के मुताबिक, तो अब आप लोग किस तरह से यूटिलाइज करेंगे सबको? जैसे आपको पता है यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस मिलता है और थोड़ा सा आपको पता है कि थोड़ा सा गेंद स्विंग भी होता है, लेकिन हमें काफी प्रैक्टिस किया और हमने ड्यूक बॉल हमने काफी खेला भी हुआ, इंग्लैंड में भी खेला है और यहाँ पे भी हमने सीरीज खेली हुई है। बिल्कुल जैसे उनका कैंप लगा वहाँ पे सबको उनको फीड किया गया कि वहाँ पे कैसे खेलना है, जिसमें मुशी भाई, मुश्ताक अहमद और वो भी खेले हैं, वो भी कैंप में थे, उन्होंने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया उनको कि वहाँ पे कैसे खेलना है, कहाँ कैसे वहाँ पे पिचेस रिएक्ट करेंगी, कैसे आपने रन्स करने हैं, तो पूरी डिस्कशन हुई है और हम भी खेले हैं, हमें भी पता है कि यहाँ पे कैसे रन्स होंगे, कैसे बिहेव करती हैं कंडीशंस, तो बिल्कुल उसके लिए हम रेडी हैं। और बैट्समैनों में पोटेंशियल है और बॉलर्स को जिस तरह आप यहाँ पे विकेट में बाउंस है तो बॉलर को हेल्प मिलेगी मिलेगी, लेकिन बैट्समैन भी काफी कॉन्फिडेंस में है और कोशिश करेंगे कि इसको मजीद अच्छा करें और मैच में अपना जो है 100% दें और लुकिंग फॉरवर्ड मैच के लिए। अब्बास रजा फिर कादिर ख्वाजा आप करिए। बाबर हमारी जो बेस बैटरी है उसमें जाहिर है काफी ऑप्शंस आपके पास आ गए हैं, आप जबाकर जो मोहम्मद अब्बास हैं वो भी मौजूद हैं, तो कितना मुश्किल होगा इस अच्छे पेस सेटअप से बॉलर को पिक करना? देखिए हमारा टेस्ट की जो कॉम्बिनेशन है वो काफी अच्छी है और वो ही थ्रू आउट हमारा वो चलता आ रहा है, और देखिए कंडीशंस हम देखेंगे कल जाके, फाइनलाइज हमने टीम कर ली है लेकिन फाइनल जो फाइनल टच है वो आज जाके देखेंगे और उसके बाद हमने डिसाइड करना है कि हम किस तरह जाएंगे, हम दो स्पिनर से जाएंगे या चार फास्ट बॉलर और एक स्पिनर के साथ जाएंगे, वो जाके कंडीशंस पे डिपेंड करता है। और जिस तरह थ्रू आउट हमारी टेस्ट टीम काफी अच्छी परफॉर्मेंस करती आ रही है, हमारा जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है वो काफी अच्छा, और टेस्ट एज अ कप्तान मैं ये चाहूंगा कि हम मजीद इस चीज को बेहतर करते जाएं और जिस तरह टेस्ट क्रिकेट में हमारी टीम अच्छे से अच्छा परफॉर्म करती आ रही है और इसको हम कंटिन्यू करें, अच्छी टीमों के लिए यही है कि आप कंसिस्टेंट हों टेस्ट क्रिकेट में, और वो हमारे में आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही है और इंशाल्लाह आगे जाके इसको मजीद अच्छा करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम बाबर। वालेकुम बाबर, मेरा ये सवाल था कि जिस तरह बारिश हुई T20 सीरीज में भी, एक T20 मैच जीते और हम सीरीज जीते, उसके बाद टेस्ट में भी वेदर फोरकास्ट में बारिश है, तो कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है सब ये चीजें कि भरपूर तैयारी होती है और उसके बाद बारिश हो जाती है। और दूसरा सवाल ये है कि जो बैटिंग कोच हैं वो भी टीम के साथ नहीं है, तो यूनुस खान भी नहीं है, अभी बैटिंग कोच का भी ऐलान नहीं हुआ, तो कितनी कमी महसूस होती है बैटिंग कोच की? फ्रस्ट्रेशन काफी ज्यादा होती है जब आप मैचेस नहीं खेलते बारिश की वजह से, तो मेरे ख्याल से पूरी टीम बड़ी थोड़ा सा डिस्टर्ब होती है, लेकिन एज अ प्रोफेशनल आप ये चीजें नहीं सोचते कि यार बारिश हो गई है तो हम क्या करेंगे या मैचेस नहीं हुए, ये वेदर हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन टेस्ट में भी जिस तरह हमारा पहला दिन पूरा तो दोनों सेशन बारिश होती रही, लेकिन हमें एक सेशन मिला हमने उसको यूटिलाइज किया, उसमें हमने जितना हमें टाइम मिला हमने उसको यूटिलाइज किया, उसको में हमने 40 आवर्स किए, बैट्समैनों को भी बारी प्रॉपर मिली, बॉलर्स ने भी बॉलिंग की, अगले दिन हमें पूरा मिला
लेकिन उसमें ये था कि हमें जो पूरा दिन मिला हमने उसको यूटिलाइज किया। हर बॉलर्स ने जो हमारे T20 से टेस्ट मैच में है उन्होंने अपना जो पूरा एक प्लान था उनके लिए वो उन्होंने वहां पे अप्लाई किया। बैट्समैनों को थोड़ा सा टाइम अंदर स्पेंड करने के लिए मिला यहाँ पे, तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमें ये दो यहाँ पे भी हमने प्रैक्टिस की कल, तो बिल्कुल हम रेडी हैं और टेस्ट में अच्छा करेंगे, और जिस तरह हमारी टीम करती आ रही है हम उसको मजीद अच्छा करेंगे। एंड अली हसन और अरसलान जावेद अली का सवाल हो गया, अरसलान आप कर लें। अरसलान आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है जी? जी बिल्कुल। बाबर मेरा सवाल है कि इस वक्त जो है हमारी टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर होम सीरीज भी टेस्ट की है, तो डेफिनेटली वहां पे तो हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन जो अवे सीरीज हैं उसके लिए बतौर कप्तान आपके क्या टारगेट्स हैं कि इस सीरीज को हम 2-0 से जीतने की अप्रोच के साथ जाएंगे? और दूसरा, रन रेट हमेशा पाकिस्तान टीम का जो है वो एक डिबेट का हिस्सा रहता है, तो इस टेस्ट मैचेस में वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो अपनी अटैकिंग अप्रोच के साथ जा रहा है कि या दोबारा से हमें वही डिफेंसिव अप्रोच नजर आएगी? देखें, जब भी आप अवे जाके टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, और ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही डिफेंसिव खेलते हैं या बहुत ही स्लो खेलते हैं, ऐसा नहीं है। टेस्ट क्रिकेट आप में उसमें यह कि आपका पेशेंस चेक होता है, आप कितना मेंटली स्ट्रांग है, तो सिचुएशन के हिसाब से आपको मैच खेलना पड़ता है। कभी कभार आपको थोड़ा सा स्लो भी खेलना पड़ता है, थोड़ा पार्टनरशिप लगानी पड़ती है, थोड़ा सा आपको डिफरेंट तरीके से खेलना पड़ता है। मोस्टली मेरे ख्याल से टेस्ट क्रिकेट में आप डिफेंसिव नहीं खेलते, थोड़ा वो इस सेंस में कि आप थोड़ा सा ये है कि आप कुछ प्लेयर डिफरेंस खेलते हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि स्ट्राइक रेट बहुत कम है, कुछ स्लो खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा टीम प्लान होती है और थोड़ा सा डिफरेंट बॉलिंग होती है, जिसमें पीरियड होता है, जिसकी वजह से ये है कि लगता है कि थोड़ा सा स्ट्राइक रेट नीचे जाता है। एज अ टीम हमने जो क्रिकेट खेलनी है वो यही है कि पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है और फेयरलेस क्रिकेट खेलनी है, और मैच इस मैच में आपको वेस्ट इंडीज वाले सीरीज में आपको लेकर डिफरेंट नजर आएंगे, और कोशिश करेंगे मैचेस जीतें और अच्छा स्टार्ट हो। लास्ट क्वेश्चन, बिलाल अकील एंड सैफुर रहमान। बिलाल आप सवाल कर लें। वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। बाबर मेरा सवाल आपसे ये है कि मिडिल ऑर्डर हमारा काफी अरसे से टेस्ट क्रिकेट में के लिए क्या टेक्निक्स हैं, क्या आपने प्लानिंग की हुई है? क्योंकि बिलाल बिलाल भाई आपका थोड़ा सा नेट का इशू या कुछ, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से आवाज नहीं आ रही। आप सवाल कर लें। वेस्ट इंडीज है तो उस हवाले से जी मेरा सवाल यह है कि जिस तरह से मिडल ऑर्डर हमारा पिछले काफी अरसे से इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, उसके लिए क्या प्लानिंग की है? क्योंकि वेस्ट इंडीज अपने होम ग्राउंड में खेल रहा है और उनके जो जो बॉलर्स हैं वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं पिछले टेस्ट में, अगर देखा जाए तो। पक्का बता कि मिडल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा? मेरे ख्याल से जिस तरह मिडल ऑर्डर हमारा परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह रिजवान ने परफॉर्म कर रहा है, अजहर अली परफॉर्म कर रहा है, और फवाद आलम आपके सामने जिस तरह वो परफॉर्म कर रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, मेरा वहाँ पे बिल्कुल, मैं आप ये मेंशन कर सकता हूँ कि मेरी वैसी परफॉर्मेंस नहीं है हो रही टेस्ट क्रिकेट में। जिस तरह लोग चाह रहे हैं कि मैं टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म करूँ, और जिस तरह पिछले मेरे दो एक साल में जो टेस्ट में परफॉर्मेंस थी वो थोड़ी सी नीचे आई है, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे अच्छा एज मुझे ये है कि जो लड़के हैं वो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। जिस तरह रिजवान को देख लें, हमने जो चांस लिया था, जो उसको चांस दिया था हमने T20 में, वो उसने अप्लाई किया, और वो देख लें आज जिस तरह वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर पाकिस्तान का बना T20 में परफॉर्म कर रहा है, और ऐसे ही टेस्ट मैच में भी है।
बिल्कुल जिस तरह सारे मिडल ऑर्डर परफॉर्म कर रहे हैं, ये नहीं कि मैं रिलैक्स हो जाऊं, नहीं, मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, मुझे पता है कि लोग काफी एक्सपेक्टेशन रखी हैं और मैं परफॉर्म करूं। और बिल्कुल यहाँ पे आके मैंने अपनी जो टेस्ट में जो मैं जब आया और उसमें मैंने अपनी डिफरेंट ड्रिल्स की हैं, और जितना मुझे कॉन्फिडेंस होगा, जितना मुझे जो चीजें चाहिए थी वो मैंने अप्लाई की हैं, और इंशाल्लाह इस टेस्ट मैच में अच्छी परफॉर्मेंस होगी। और आपको आवाज आ रही है? सवाल कवर हो गया बदी, थैंक यू। चलिए थैंक यू सो मच। लास्ट अगर वकास आप करना चाहते हैं, लास्ट क्वेश्चन वकास। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अभी आपने ड्यूक्स बॉल की बात की है, तो एज ए बैट्समैन आपको कितना फर्क लगता है ड्यूक्स और कुकाबुरा में, एज ए बैट्समैन और एज ए कैप्टन? लेकिन ड्यूक में बिल्कुल काफी डिफरेंस है, आप देखें वो थ्रू आउट स्विंग होता रहता है। इवन के आप यहाँ पे भी इंग्लैंड में भी खेलते हैं तो वो थ्रू आउट स्विंग और स्विंग होता रहता है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है मेरे ख्याल से। मोस्टली प्लेयर पाकिस्तान में ग्रेस भी लगा के कुछ ईयर में वो उनकी उनको प्रैक्टिस है, उनको उन्होंने खेला हुआ है, तो आप जितना इसको प्रैक्टिस में खेलते हैं उतना आपके लिए इजी होता है। लेकिन एक कभी कभार ये है कि एक पीरियड ऐसा भी आता है जिसमें बहुत ज्यादा रन मिलते हैं, तो वो आपको उस पीरियड का वेट करना पड़ता है। और वो ये है कि वो जितना आप अपने पास खेलेंगे, जितना आप अपने करीब खेलेंगे ड्यूक बॉल को, तो उतना आपके लिए अच्छा है। थैंक यू सो मच बाबर आजम, थैंक यू सो मच जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। थैंक यू इब्राहिम, थैंक यू सो मच।